मेरी बेटी ने जो किया ठीक किया। किसी की भी माँ कितनी भी बुरी हो या अच्छी हो, कोई अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। मुझे 100 रुपये लेकर दिहाड़ी पर जाने वाली कहा गया, मुझे 2 आने की औरत कहा गया। क्या हम 2 आने की महिलाएं हैं? हम अगर आंदोलन में गए तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए गए। ये बातें कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला CISF जवान कुलविंदर कौर की माँ वीर कौर ने कही है। दरअसल हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद 7 जून को दिल्ली में होने वाली NDA गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए कंगना 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। सिक्योरिटी चेक के दौरान एक महिला CISF कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे सही ठहराने लगा तो कोई इसे गलत। इस बीच कंगना ने एक वीडियो पोस्ट कर घटना की पूरी जानकारी दी। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। इस घटना के बाद लोग 2 खेमों में बट गए हैं, जिसमें किसान संगठन, सिख समुदाय और क्षत्रिय समुदाय भी आमने सामने आ गया है। इसी बीच CISF जवान कुलविंदर कौर की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरी घटना पर कहा कि मैं अपनी बेटी को गलत नहीं कह सकती जब तक मैं अपनी आंखों से सब नहीं देख लेती। मेरी बेटी को जॉब करते 16 साल हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ और ना ही कोई शिकायत आई। मैं इस बात को नहीं मानती कि बिना कारण मेरी बेटी ने थप्पड़ मारा है। हमारे परिवार में 5-6 लोग आर्मी से हैं, 2 जेठ, भतीजा और जीजा हमारे आर्मी में हैं और कई रिटायर हो चुके हैं। 1965 की लड़ाई में मेरे जेठ ने पीपल पत्ते खाकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मेरी बेटी पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं इस पूरी घटना पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई है, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते हैं जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पड़ा, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और 2 चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब CISF महिला जवान कुलविंदर कौर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो हैं कौन। दरअसल कुलविंदर पंजाब के कपूरथला की रहने वाली हैं। कुलविंदर कौर की शादी करीब 6 साल पहले जम्मू में हुई थी। उनके पति भी CISF में हैं। कुलविंदर के 2 बच्चे हैं, 6 से 7 साल की बेटी और बेटा 5 से 6 साल का है। 2.5 साल से वह चंडीगढ़ में तैनात थी। जब कंगना के थप्पड़ मारने वाले सवाल पर कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहन ने जो किया वो सही है, पूरा परिवार उसके साथ है। हमें पता है कंगना बहुत उल्टे सीधे जवाब देती रहती हैं, हमारी माँ बहनों को टके और दिहाड़ी पर आने वाली बोलती रहती हैं, जबकि हम सारे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।